आगे चलते हैं समित जी सर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, रेस्टोरेंट में आमतौर पर ग्राहकों को एक फिंगर बोल कब दिया जाता है जिसमें गुनगुना या गुनगुना पानी और नींबू का एक टुकड़ा होता है। यूजुअली इन रेस्टोरेंट्स व्हेन इज अ फिंगर बोल व्हिच हैज ल्यूक वार्म वाटर एंड अ स्लाइस ऑफ लेमन इन इट गिवन टू कस्टमर्स। ए बिफोर द मील स्टार्ट्स, बी अलोंग विद द स्टार्टर्स, सी अलोंग विद द मेन कोर्स, और इज इट डी आफ्टर द मील इज ओवर। सर ये भोजन शुरू करने से पहले, स्टार्टर के साथ, मुख्य भोजन के साथ, या भोजन समाप्त होने के बाद? भोजन समाप्त होने के बाद सर, खाने के बाद हाथ धोने के लिए डी आफ्टर द मील इज ओवर। प्लीज लॉक डी आफ्टर द मील इज ओवर। भोजन समाप्त होने के बाद डी, पहले से ही ताली बजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इसमें नींबू क्यों डाला जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो है ज्ञान नाथ कह रहे हैं कि नींबू के साथ हाथ धोने से हाथों की जो दुर्गंध है वो भी मिट जाती है जी। अच्छा, बहुत लोगों को सर पता नहीं होता, एक छोटी सी कहानी हमको भी अभी याद आ गई कि कभी कभी उसमें नींबू होता है, कभी गुलाब का पत्तल एक डाल देते हैं, ऐसा होता है। तो एक हमारे सर किसी बड़े भोजन में, जो कि पॉलिटिकल लेवल पे भोजन हो रहा था, प्रधानमंत्री के लेवल पे, तो जापान के प्रधानमंत्री थे, वो खाने पे आए थे, तो भोजन वोजन सब हो गया, उसके बाद ये फिंगर बोल आया, उसमें गुलाब का पत्तल था, उनको लगा कि ये कोई पदार्थ है, उसको पी गए। वो देख करके जो हमारे देश से थे उनका, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, वो भी पी गए। रोका नहीं सर, किसी ने नहीं रोका सर। ओके भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। समित, ऐसा ही एक जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे आप हैं कि नहीं? जी सर। ओके, तो वहाँ भी आप कुछ लिखावट वगैरह करते रहते हैं? सर देखिए, सोशल मीडिया मेरा एक ही अकाउंट है ट्विटर पे, मैं यूज नहीं करता। उसके दो कारण, एक टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है सर। अच्छा। दूसरा, मुझे अपने आइडियाज अगर फ्रेश रखने हैं, राइट, अगर मुझे हर आइडिया नया, कहीं चिंता नहीं करनी पड़े, कहीं देखा है वही तो नहीं लिख रहा, तो वो मेरा एक तरीका है कि अगर सोशल मीडिया से दूर रहूं तो डिस्ट्रैक्शन फ्री रहूं और हर आइडिया फ्रेश हो। आप सर बहुत फेमस। सर फेमस नहीं सर, क्या है कि हमने अभी देखा ये सब बहुत कई साल पहले जी, तो हमने ऐसे ही किसी से पूछा, भैया ये क्या है? बोला जी ये है, आप जो भी लिखेंगे वो छप जाता है जी। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो हम कल आज लिखें कल आ जाए। मैंने कहा हाँ सर, आप ब्लॉग लिख सकते हैं या आप ये जा सकते हैं सोशल मीडिया पे, वहां से हम जाने लगे। और अब सर धीरे धीरे काफी सारी जनता हमारे साथ जुड़ गई। वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट्स आई थिंक। नहीं नहीं, वन ऑफ द बेस्ट नहीं सर, हमको समझ में नहीं आता सर। अच्छा। ये क्या है? और कई बार सर कोई ऐसी फोटो छप जाए या कुछ ऐसा लिख दें, उसकी बड़ी गाली पड़ती है, टिप्पणी होती है उसकी। ये हमको पता नहीं था कि इसके कमेंट्स भी होते हैं। हाँ। तो किसी ने कहा सर आपको पढ़ना चाहिए। गाली देते हैं लोग सर? अरे सर भर भर के। आपको? आपको मतलब क्या? अमिताभ बच्चन को कौन? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, एकदम। अबे क्या समझता है अपने आपको, तो ये है वो है। और ये क्या लिख दिया तुमने, ये क्या लिख दिया तुमने, और वो पकड़ते हैं सर। अच्छा। तो सर अभी ऐसा हो गया, आप तो कॉपीराइटर हैं, बड़ा ही सोच समझ करके जी उस सोशल मीडिया पे जाना पड़ता है। सर आपके ब्लॉग से मैं प्रेरित हुआ और मेरा ब्लॉग शुरू हो गया सर। आप लिख रहे हैं ब्लॉग? जी सर। अरे 5 साल हो गए। समय बड़ी अच्छी चीज होती है सर, क्योंकि वहां पर सब जितने भी लोग आते हैं वो सब जान पहचान के लोग होते हैं। हमारे साथ तो ऐसे ही है कम से कम। तो आप उनके साथ निजी संपर्क भी करते हैं? मेरे ब्लॉग में है सर, उनको मैंने एक नामकरण दे दिया EF। हाँ सर, EF क्या होता है? हर ब्लॉग में EF होता है। एक्सटेंडेड फैमिली। अच्छा। सर ये एक अच्छा, बहुत ही अच्छा परिवार बन जाता है। मैं मुझे बड़ा, आई एम रियली वेरी प्राउड एंड हैप्पी फॉर देम। तो टाइम कैसे निकालते हैं आप इतने बिजी? सर अभी यहाँ से हमको छुट्टी मिलेगी तो जाएंगे लिखेंगे। और इन लोगों की कृपा है सर EF की, ये लोग पढ़ते रहते हैं और हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। ऑलराइट समित, हमारी बातें बहुत होगी, हम चाहेंगे कि आगे बढ़ाएं खेल। पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, उन संकेतों में जो ये दर्शाते हैं कि कुछ दुकानें 24/7 खुली हैं, 24 की संख्या क्या दर्शाती है? इन साइंस इंडिकेटिंग द
that certain shops are open 24/7, what does the number 24 denote? A. Minutes, B. Hours, C. Seconds, or D. Days. Minute, ghante, second, ya din. 24 hours, 7 days a week. 24 hours, sir. Kiske saath jayenge aap? B. Hours lock kijiye. B. Hours ke saath jayenge. Please lock. B. Hours is the right answer. Well done. पांच सवाल का उत्तर दे दिया आपने, 10,000 जीत गए, पड़ाव पार हो गया है। 24/7 में 7 एक सप्ताह के दिनों की संख्या को दर्शाता है, इसका मतलब ये है कि ये दुकान जो है 24 घंटे खुली हुई है, और आमतौर पर जितने मेडिकल स्टोर्स हैं या ज़रूरतमंद चीज़ों की जो दुकानें होती हैं वो आमतौर पर 24/7 खुली रहती हैं, तो लोग इनकी सेवाओं का लाभ जो है कभी भी किसी भी समय उठा सकते हैं। अब आपको मिलने वाले हैं 60 सेकंड, जैसा कि आप जानते हैं डीजे बाबू आपको देंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। समित शर्मा जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये एक और इमेज प्रश्न है। okay. इनमें से कौन सा फल इन लोगों को जोड़ता है? विच ऑफ दीज फ्रूट्स कनेक्ट्स दीज पीपल। छवि दिखाई जाए। पढ़ लिया, नीचे आइजक न्यूटन है, इधर स्टीव जॉब्स है। जी सर। ऑप्शन सुनिए, ए मैंगो, बी एप्पल, सी पाइनएप्पल, या डी ऑरेंज। आम, सेब, अनानास या संतरा। सर, आइजक न्यूटन ने ग्रेविटी एप्पल के द्वारा खोजी थी और स्टीव जॉब्स सीईओ फाउंडर ऑफ एप्पल, सो एप्पल। एप्पल बी के साथ जाएंगे? कंफर्म? जी सर, लॉक किया जाए। बी एप्पल लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और जीत गए हैं 20,000 रुपए। काली शर्ट वाले व्यक्ति जो हैं वो आईफोन बनाने वाले कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स, और इस पेंटिंग में वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण लॉज फॉर्मुलेट किए थे, और जो कथित तौर पर आइजक न्यूटन ने गिरते हुए देखा था एप्पल, यानी कि एप्पल जो है इन दोनों को जोड़ता है। वेल प्लेड सभी।